innovator named ankit and his teammate have developed a device called suvana flow meter which helps people to monitor and manage water consumptions in real time in less cost without distorting water pipes पानी को बचाने के लिए जहां सरकार कई तरह के जागरूकता अभियान और कार्यक्रमों के जरिए सक्रिय है वही देश के युवा भी आगे आ रहे हैं ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके फिजूल खर्ची को कम किया जा सके चेंज मेकर सीरीज की इस कड़ी में आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे साथ दो इनोवेटर्स अंकित और उत्पल बहुत बहुत स्वागत है अंकित और उत्पल धन्यवाद सर अंकित आप अपने बारे में और अपने स्टार्टअप के बारे में दर्शकों को बताइए सर मेरा नाम अंकित झा है और मेरे पार्टनर का नाम उत्पल कांत है हम बिहार के निवासी हैं और हमने मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बिहार सरकार द्वारा चलाया जाए एक संस्थान है वहाँ से ग्रेजुएशन किया सर इंजीनियरिंग के दौरान हमने ये पाया कि इंजीनियर जाने जाते हैं कुछ नया बनाने के लिए कुछ बेहतर करने के लिए समाज में तो सर हमने हमारा एक नज़रिया था कि हम भी कुछ करें हम भी समाज को कुछ दे के जाएँ तो सर इसी दौरान हमने कुछ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया कॉलेज में कुछ बनाया तो उससे हमारा उत्साह बढ़ा फिर सर हमने ए के बहुत सारे जो कार्यक्रम्स है जैसे स्मार्ट इंडिया हाँ कहते हैं नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट के बारे में जाना और हमने काफ़ी रुचि से इसके तरफ इसमें हिस्सा भी लिया और इसी दौरान हम सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते एक अपना एक स्टार्टअप बनाया जिसका नाम था तो शुभाना जिसका लक्ष्य था कि हम समाज में जो भी समस्याएं हैं जो एक आम नागरिकों का जो फेस करते हैं तो उसको हम सॉल्व करें और वो भी एक कम कीमत के सॉल्यूशन से ताकि सर हम ज़्यादा लोगों को समस्याओं को हल कर सकें हम अभी हम इनक्यूबेटेड हैं आईआईटी पटना में और हम अपने सफर की ओर अग्रसर हैं बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, अंकित आप अपने इनोवेशन के जरिए कौन सी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं सर हमें पता है कि, कि पानी की बहुत बड़ी किल्लतें हैं पूरे देश में हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं इसके लिए बहुत सारे इन्वायरमेंटल मीटिंग कॉप मीटिंग और प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बड़ा भाग्य है कि हम कैसे इसे पानी का रक्षा करें यहाँ तक कि गंगा रजनेश्वर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो सर बट हम बेस लेवल पर एक पानी का उपयोग करें उसका दुरुपयोग ना करें यदि पानी का कहीं लीकेज हो रहा है सर तो हम उसको कैसे कम करें और एक समझदारी से और जितना हमारे हिस्से का है उतना ही पानी यूज़ करें क्योंकि सर पानी हमारे भविष्य के जो आगे वाले जनरेशन है उसके तरफ से कर्ज है ताकि हम उन्हें एक अच्छा माहौल दे सके एक अच्छा परिवर्तन दे सके इसी के संदर्भ में सर हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे हमें पता चल सके कि हम कितना पानी प्रतिदिन यूज कर रहे हैं क्या हम सही से यूज कर रहे हैं क्या पानी का गलत उपयोग या ज़्यादा उपयोग हम कर रहे हैं या पानी कहीं ब्लैक मार्केट में जो पानी जो एक स्लम एरिया या एक झोपड़ी के लिए सरकार ने भेजा है क्या वो उनके पास पहुंच रही है या कहीं वो ब्लैक मार्केट या कहीं किसी के घर में कहीं और जा रहा है 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 तो सर इसी सारे समस्याओं को देखते हुए हमने अपना इनोवेशन किया है जो इस टारगेट करता अंकित पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है दुनिया के सामने और आप इस समस्या के समाधान ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं आप बताएंगे कि किस तरह के रिएक्शन लोगों के आए जब आपने इस इनोवेशन पे काम करना शुरू किया सर हमने जब इनोवेशन में इसके बारे में काम करना स्टार्ट किया वो एस आई एच स्मार्ट इंडिया है कथन जो प्रधानमंत्री जी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था हमारे तो इस पर जब हमने ये चूज़ किया कि हमें इस पर इस समस्या का निवारण करना है जो एस सी एल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा दिया गया था तो लोगों की बहुत मिक्स प्रतिक्रियाँ आई कि किसी ने बोला कि इसकी क्या ज़रूरत है पानी तो हम जितना चाहे ज़मीन से निकाल ही सकते हैं इसके लिए हम एक डिवाइस क्यों लगाएं फिर हम कोई अच्छे लोगों के पास गए मुंसिपल कॉरपोरेशन जो हमारे मुजफ्फरपुर के पास थे उन्होंने बोला नहीं ये हमारी बहुत ज़रूरत है आज हमें पानी की किल्लत यहाँ नहीं देखी जा रही है बट फ्यूचर में इसकी बहुत सारी किल्लत होने वाली है हम चाह ही रहे हैं कि एक ऐसा हमें डिवाइस मिले जिससे हम बहुत आसानी से लोगों को ज़्यादा तंग करते हुए बता सके कि उनको कितना उन्होंने पानी यूज़ किया है या उनके जो डेली दे, कोटा है यदि हज़ार लीटर जैसे स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर में होता है यदि हज़ार लीटर अलॉटेड है उससे ज़्यादा वो ना खर्च कर पाए यदि खर्च करें तो उनको एक फ़ाइन के थ्रू वो आगे खर्च करें और ताकि हम जान भी पाए कि लीकेज या बाकी चीज़ें समस्या ताकि पानी का सदुपयोग हो सके सर ताकि हम पानी बचा सकें बहुत सारे देशों में सर जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत कड़े नियम है कि पानी के लेके कि हम पानी फेंक नहीं सकते हैं तो सर हमें हमारे पास बहुत सारे पानी है बट हमें उनका सद उपयोग करना है तो लोगों की प्रतिक्रियाएं थी बहुत मिली जुली बट सर हमने जो अच्छी प्रतिक्रियाएं थी जो हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती थी हमारे फैकल्टीज़ के द्वारा ए के द्वारा और बहुत सारे मेंटर्स के द्वारा कि ये समस्या जो फ्यूचर में आने वाली है उसको हम अभी ही उसका सोल्यूशन क्यों ना बनाए और खुद समझदारी क्यों ना अपनाए अंकित ये बहुत ही प्रेरक है कि आप भविष्य की चिंताओं के समाधान के लिए आप कार्य कर रहे हैं हमारे साथ उत्पल जुड़े हुए हैं उत्पल ये जो प्रोडक्ट जो आपने बनाया है अपने इनोवेशन के जरिए वो कैसे काम करता है क्या आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे और दर्शकों को समझाएंगे कि ये कैसे काम करता है uh, uh, तो सर सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये जो वाटर फ्लो मीटर है ये एक जनरल वाटर फ्लो मीटर की तरह ही काम करता है आप जैसे आप ट्रेडिशनल वाटर फ्लो मीटर आप घरों में लगाते थे मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था बट ये जस्ट पानी का जो कितना फ्लो हो रहा है कितना पानी इसके पाइप से जा रहा है उसको मेजर ही करता है लेकिन सर इसमें कुछ इनोवेशन हैं जैसे कि ये स्ट्रेफॉन डिजाइन है मतलब आप बाहर से ही बिना पाइप को डिस्टर्ब किए बिना पाइप को कट किए आप इससे इसके थ्रू इस डिवाइस के थ्रू बता सकते हैं कि ये आ, पानी के इस इस पाइप के अंदर कितना फ्लो हो रहा है तो इससे मेरा क्या होगा कि ये यूज़र फ्रेंडली होगा और ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा क्योंकि अभी जो भी जो सोल्यूशंस अवेलेबल सोल्यूशंस हैं तो उसमें क्या है कि आप पाइप को ही बार उसमें कट करके उसके बाद उसमें इंस्टॉल किया जाता है उसमें लगाया जाता है और उसके बाद भी उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि उसमें अंदर वो टर्वाइन सिस्टम लगा रहता है जो रोटेट करता है उसके बाद फ्लो को मेजर करता है तो उसमें कोरोजन क्योंकि क्योंकि पानी रिएक्टिव मटेरियल टाइप्स से होता है तो उसमें कोरोड कर देता है उसको में और जल्दी ही खराब कर देता है मतलब आप एक साल छः महीने में आपको बार बार उसको उसको मेंटेन करना पड़ेगा तो हमारे जो सिस्टम है हमने वो जो सिस्टम है उसमें बाहर से ही आपका पानी मीटर हो जाएगा तो कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है कोई नो मूविंग पार्ट्स हैं तो ये काफ़ी इसका लाइफ भी काफ़ी अच्छा होगा और ये प्रेशर लॉस भी नहीं करेगा तो ये मेरा ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया और इसमें एक और ख़ासियत है कि आप जैसे आपका जो पानी का जो आप जितना रिचार्ज किए वाटर को उतना ही फ्लो देगा उतना ही लीटर पानी आपके पास पहुंचेगा, उसके बाद आपको फिर से रिचार्ज कराएंगे, तो आपके पास फिर से पहुंचेगा। मतलब आप पानी का बिना मतलब वेस्ट करेंगे तो आपको उसका भी चार्ज लगेगा तो अभी हमारे पास ये यहाँ पे प्रोटोटाइप के लिए हमारे पास जो डिवाइस है वो इस तरीके ऐसा है, है दिखता है तो इसमें ये फ्लो मीटर है यहाँ पे फ्लो मीटर लगा हुआ है और ये मेरा आ, ब्लॉक करता है पानी को कि आपको, आप में आपको पानी का वेस्टेज हो रहा है तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं ये मेरा पूरा उसका सिस्टम है तो ये इसी तरीके से काम करता है बाकी नेक्स्ट तो हमारे अंकित तो यहाँ और डिस्कस करेंगे धन्यवाद उत्पल सर यदि हम साधारण भाषा में समझें तो यदि मेरे हाथ को एक पानी की पाइप लें और ये घड़ी को ये हमारा डिवाइस है जो हम जब चाहें ऐसे खोल के निकाल सकते हैं यदि वो ख़राब हो गया हो या हमें चेंज करना हो और हम जब लगाना हो तो हम आसानी से लगा सकते हैं तो सर इससे फिर ये घड़ी जो कि मेरा डिवाइस है वो हमें एक्यूरेटली मेजर करेगा सर कि हमने कितना पानी यूज़ किया है वो और एक जो हमारा अपार्टमेंट्स के ग्राउंड फ्लोर में जो जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक मीटर्स होते हैं वहाँ हमारा एक वाटर मीटर होगा जैसे उत्पल ने दिखाया और वहाँ हम रीडिंग देख सकते हैं कि हमने कितना पानी इस्तेमाल किया सर जैसे हमारे घर में पानी के बहाव आने के दो दो प्रमुख जगह हैं एक हमारे किचन और रसोई घर और एक हमारा वॉशरूम की तरफ से असर आता है तो वहाँ हमारे ये डिवाइस सर लगे रहेंगे और वहाँ से हम एक्यूरेटली मेज़र करके सर हम आपके मोबाइल फ़ोन में भी बता सकते हैं कि आज आपने कितना पानी यूज़ किया यदि कि कहीं कोई लीकेज है वो भी हम बता सकते हैं और सर यदि आपने ज्यादा पानी यूज किया तो पानी सर ब्लॉक हो जाएगा फिर हम पानी दे रिचार्ज करें उससे फिर हमें आगे का पानी मिलेगा और सर इसके और बहुत सारे फायदे हैं इससे हमारे एक डेटा मिलेगा सर जिसको हम उपयोग कर सकते हैं सर रिसर्च के लिए भी कि पानी का कहाँ पे किस एरिया में कैसा यूज हो रहा है सर और उससे हम फदर सर कर सकते हैं और सर एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो जब गर्मियों के दिनों में बड़े बड़े शहरों में पानी के टैंकर से घर झोपड़ी और जो छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पहुँचाए जाते हैं कि पानी की समस्याएं के लेके लेकिन सर सारे जो टैंकर्स होते हैं वो नहीं पहुँचते हैं कुछ ब्लॉक मार्केटिंग के द्वारा कहीं और चले जाते हैं सर तो हमारे जो जो डिवाइस है जिसमें डी जी टेक्नोलॉजी है सर तो उससे हम पता भी कर सकते हैं कि, कि किस जगह पे कितना पानी हमने दिया है और यदि यदि सही पानी नहीं गया है तो अथॉरिटी कार्रवाई कर सकती है या उनके पास सारे डेटाज रहेंगे सर और चूंकि हमारा सर जो डिवाइस है उसमें पाइप काटने की आवश्यकता नहीं है तो ये बहुत आसान है सर किसी आम नागरिकों के लिए इसे लगाएं और इसे जब खराब हो हटा दें या कुछ भी जैसे करें और सर इसमें जैसे उत्पल ने बताया कोई अंदर हम पाइप के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रेशर के भी लॉस नहीं है सर और चूंकि जो ये डिवाइस है सर आम तर, तरीके से जो स्ट्रेप ऑन डिजाइन जो बोलते हैं बिना पाइप को काटे इसकी भारत में आम मूल्य है सर अट्ठाईस हजार से रुपये से लेकर बहत्तर हजार रुपए तक पर हमने सर चूंकि ये एक बहुत बड़े वर्ग को देखते हुए उनके समस्याओं को समाधान के लिए बनाया है सर अभी हमने जो इसे बनाया है इसका मूल्य हमें तीन हजार रुपये पड़ रहा है और हम चाह रहे हैं कि इसका मूल्य दो हजार रुपये तक करें ताकि लोगों को सुविधा हो और लोग आसानी से इसे अडाप्ट करें आसानी से अपने घर में लगाएं ताकि उनको ज्यादा आम जिंदगी के अलावा इसका ज्यादा भाव ना पड़े उनके बजट पे उनके पर्स पे अंकित आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताया उत्पल आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पे पानी की बहुत समस्याएं नहीं है बट फिर भी आपने इस विषय को चुना वो कौन सी कारक थे जिसने आपको प्रेरित किया कि इस इनोवेशन पे आप काम करो आ, सर आ, अभी सर ये आ, समस्या बिहार में तो नहीं है लेकिन सर हम न्यूज में अक्सर सुनते रहते हैं कि वहाँ पे पानी की समस्या है खासकर विदेशों में दुबई और और बाकी सारे बहुत सारे कंट्री हैं वहाँ पे पानी की काफ़ी समस्या है तो हम ये न्यूज़ में अक्सर सुनते रहते हैं लेकिन हम लोग इग्नोर करते रहते हैं कि ये चीज़ यहाँ थोड़ी है यहाँ पे यहाँ पे ये समस्या नहीं है तो हमने सोचा कि ये प्रॉब्लम तो कल को हमारे पास भी आएगा और ये समस्या तो सभी जगह है तो यहाँ पे भी आएगा तो हमने इस पर काम करना शुरू किया क्योंकि ये अगर हमारे पास नहीं भी है तो हमने हम लोग इसको कहीं बाहर भी सप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास ये समस्या आएगी तो हम लोग इसे अपने यहाँ भी यूज कर सकते हैं तो लेकिन सर इसका मार्केट तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है हमने ये सोचा है कि मार्केट तो इसका काफ़ी बड़ा है और इस पर कोई वर्क भी नहीं कर रहा है इसका इसका कोई ऐसा सोल्यूशन भी नहीं है जो कि इसको सोल्व कर सके तो इसीलिए सर हमने अंकित के साथ मिलकर यह डिस्कस किया कि ये इस पे काम करना चाहिए और ये फ्यूचर के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है अच्छा एक डिवाइस हो सकता है जो कि यूज हो सकता है सभी घरों में यूज हो सकता है तो इसके लिए सर हमने बनाना था कि लो कॉस्ट अभी तो सर मार्केट में कुछ कुछ डिवाइस हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी पे काम करती है बट उनका काफ़ी कॉस्टली आती है जो भी डिवाइस सर होती है काफ़ी कॉस्टली होती है तो उसको सर देखते हुए हमने इसको लो कॉस्ट में ट्राई किया लो कॉस्ट में कि कैसे इसको लो कॉस्ट में बनाया जाए तो हमने इसमें काफ़ी रिसर्च किए और फिर इसमें आ, काम करना शुरू किए और फाइनली हम लोग सक्सेसफुली इसको आ, बना पाए हैं और अभी रियली में देखें तो सर इसका आ, अभी हम लोग के पास कुछ कुछ डिमांड्स भी कहीं कहीं से आ, आ रहे हैं कि ये चीजें हमें भी लगाना है हमें भी लगाना है आ, लेकिन सर उस टाइम तो कुछ नहीं था बस एजम्सन था कि ये नीड है तो इस तरीके से हम लोगों ने शुरू किया और इसे फाइनली इस पर काम किया और सक्सेस हुए उत्पल तो जल संरक्षण को लेकर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने इसको एक अपने जो आइडिया था उसको एक प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट किया है आप स्मार्ट इंडिया हैकेथन के विनर रहे हैं वो जो प्रतियोगिता थी उसने आपको इस पूरे इनोवेशन में काम करने के लिए किस तरह से प्रेरित किया थोड़ा उसके बारे में बताइए सर uh, ये स्मार्ट इंडिया हैकेथन सर रियली बताएं तो सर आ, हमें काफ़ी मोटिवेट किया कि आ, आ, ये अपना स्टार्टअप कुछ क्रिएट किया है। एक्चुअली सर हम जहाँ से आते हैं बिहार से तो यहाँ पे स्टार्टअप्स का कल्चर बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पे कोई उस फील्ड में जाना नहीं चाहता है और जो जाना चाहता भी है तो उसे उसे काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि ये इसका कोई फ्यूचर नहीं है कुछ नहीं है तो सर आ, स्मार्ट इंडिया है तो हम यहाँ पे सर आ, एक समझिए एक वरदान हमें सर जैसा साबित हुआ उसमें सर पार्टिसिपेट लेने के बाद हमें सर फाइनली जब सेलेक्ट हुए हम लोग बैगलोर गए और रेवा यूनिवर्सिटी में तो वहाँ से हमने काफ़ी कॉम्पिटिटर्स हमारे सामने थे जो कि इस पूरे ऑल इंडिया से आए हुए थे और इस पर काम कर रहे थे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स तो वहाँ से सर एक और मोटिवेशन था जो हमें प्रोवाइड हुआ कि हम लोग हम लोग नहीं कर रहे हैं लेकिन बाक़ी तो इसमें तो काफ़ी आ, आ, स्मार्ट इंडिया हेकेथन के थ्रू हमें एक सर रियल कंपटीटर जो है वहाँ पे हमें देखने को मिला कि बाकी कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जो जिसपे प्रॉब्लम्स पे काम किया जा रहा है उस पर किया जा रहा है लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए सर एक नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन मिला वहाँ से कि नहीं इस पर करना ही चाहिए ये हम लोग भी कर सकते हैं तो ये सर स्मार्ट इंडिया हेकेथन से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला और उसी के उसी के सर कारण हम लोग और भी और अच्छे से कर भी पा रहे हैं काफ़ी जो ए आई सी टी हैं उनसे भी काफ़ी सपोर्ट्स मिले हैं तो सर ये एक मेरे लिए गोल्डन सर अपॉर्चुनिटी था स्मार्ट इंडिया का एस आई एच आपके लिए वरदान बना और प्रेरणा का स्रोत भी हमारे साथ अंकित हैं अंकित उस एस आई एच में आपको प्राइज में नहीं मिला फिर बाद में एआईसीटी एमआईसी की तरफ से फंडिंग सपोर्ट भी मिला ये सारी चीजें आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में किस तरह से सहायक सिद्ध हुई किस तरह से आपको मदद मिली इन सब चीजों से सर जैसा उत्पल ने कहा जब हम एक असायज को देखते हैं तो असायज हमें एक ऐसा सुनहरा दरवाजा की तरह दिखता है जो हमें अपने मंजिल की तरफ ले जाता है स्टार्टअप की तरह ले जाता है असायज से पहले हमने सोचा था बट ये कैसे हो पाएगा इसके हमें थोड़ी भी झलक नहीं थी या थोड़ी भी जो बोलते हैं ना रोड मैप जो हम बोलते हैं वैसा कुछ नहीं था जब हम आसाइच में गए नए चीज़ों से हमारे जैसे असा उत्पल ने बोला कि बहुत सारे टीम कंपटीशन थे 120 घंटे का है था बहुत सारे इंडस्ट्री से मेंटर थे जो रोज़ाना आके बोलते थे अब आप, अब अच्छा आपने ये बना के लाया अब अब ये करो अब ये नया करो अब ये करो तो उससे सर हमें ख़ुद को चैलेंज करते थे कि हाँ हम ये कर सकते हैं और सर ये जो भावना है कि हाँ हम कर सकते हैं वो बहुत छोटे समय के लिए बहुत लॉन्ग रन के लिए सर बहुत लंबे समय के लिए काम आता है चाहे वो किसी भी फील्ड में हो आत्मविश्वास जगाना कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं तो सर आसाइच से देखें तो जब हमने असाइच में भाग लिया और फिर असाइच हमने जीता तो हमें कुछ धनराशि भी मिली फिर उसके बाद वहाँ से सर हमारा एक दरवाज़ा नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट के लिए भी खुला फिर पिचिंग के द्वारा हम नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट में भाग लिया फिर उसमें बेहतर परिणाम हुए और तब के जो एच मिनिस्टर थे री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से उनसे हमें एक पुरस्कार भी मिला जो कि बहुत समाज अपने पर्सनल लेवल पे भी और समाज के लिए भी सर उससे प्रेरणा मिली कि हाँ कुछ कर रहा है मेरे माता पिता को भी लगा कि हाँ यदि शिक्षा मंत्री या पुरस्कार मिल रहा है तो हाँ बच्चे सही दिशा पे जा रहा है ये सही कर रहे हैं तो फिर सर एस फिर एन के बाद सर हमें फंडिंग मिली सर फिर फंडिंग के बाद सर हमने बहुत सारे इंक्यूबेशन यूनिट जो थे तब हम कॉलेज में थे तो फिर हमने जो हमारे नज़दीकी इंक्यूबेशन यूनिट थे जो हमारे जिस फील्ड पे हम काम कर रहे हैं वो उसी के रिलेटेड वहाँ पे लैब्स थे तो हमने आईआईटी पटना जो बिहार में ही है उनसे हमने पिच किया उनको हम बताया फिर उनको तो उनको भी इंटरेस्ट हुआ फिर उन्होंने हमें सपोर्ट दिया और फिर सर हम अग्रसर हैं अपने माँ की तरफ तो सर असायज को हम देखें तो असायज एक, एक सुनहरा दरवाजा ही तरह है जिससे सब कुछ शुरू हुआ हम सोचते भी नहीं यदि असायज नहीं होता तो शायद ऐसा ना हो पाता आ, अंकित आपने बखूबी एस आई एच के महत्व को रेखांकित किया अंकित इस पूरे जर्नी में एस आई एच विनर से लेकर आज तक इस पूरे जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे उन चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बताइए और ये भी बताइए कि कैसे आपने उन चुनौतियों का सामना किया सर जैसा उत्पल ने पहले बताया ही था कि हम जो समाज से आ रहे हैं जो बिहार से आ रहे हैं वहाँ या ये स्टार्टअप कल्चर ये इनोवेशन का कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है वहाँ महत्व बहुत अलग चीज़ों का है और माता पिता भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे इसमें ज़्यादा जाए कि समय बर्बाद होगा उसमें कुछ और कर सकते हैं तो सर पहली समस्या तो हमें घर और समाज से आती है कि हाँ कि वहाँ से सपोर्ट का तो सर ये चैलेंजेस आए फिर इसे हमने जैसे बोला कि जब पुरस्कार हमें मिले तो माता पिता और सबको सब कॉलेज में और बाकी प्रोफेसर सब में लगा कि हाँ ये कुछ कर से ये लोग कुछ कर रहे हैं तभी ऐसा परिणाम आ रहा है फिर सर उसके बाद जैसे उत्पल ने बताया था कि टेक्नोलॉजी लेवल पे भी सर हम चाह रहे थे कि इसका मूल्य बहुत कम किया जाए ताकि एक बड़े वर्ग को हम अपने सामान के तरफ रुझाव ला सकें और समस्या का निवारण कर सकें तो सर उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी में बहुत उत्पन्न हम लोगों ने बहुत मेहनत किया कि रात रात रग रा जगते हुए टेस्ट कर रहे हैं कि इससे क्या हो सकता है ये सॉल्व या इससे हो सकता है ये एक्यूरेसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक्यूरेसी बढ़ाते बढ़ाते फिर सर बात यह है कि हम जो बना रहे हैं क्या वो पब्लिक को चाहिए मतलब जिस तरीके से बना रहे हैं क्या वो उसे अपने जीवन में ढालने के लिए तैयार हैं या उनको उनके तरह से कैसे कस्टमाइज किया जाए सर जैसे बच्चों के खिलौने एक तो हम खुद से बना सकते लेकिन उनके हिसाब से बनाना एक अलग चीज़ है सर जिससे तो वैसे ही सर एक प्रोडक्ट का मार्केट फिट जो हम बोलते हैं कि क्या पब्लिक को इंटरेस्ट जाग रहा है वो देखने लुक से लेके सब कुछ सर ये भी समस्या रही फिर सर जब हम बिहार से थे तो इनक्यूबेशन सेंटर्स हमारे अगल बगल बहुत ज़्यादा नहीं थे और सर हम जैसे दूर इंक्यूबेशन यूनिट्स आई आई सी बंगलोर्स थी और बहुत सारे आई आई बॉम्बे थी तो हम उनसे पिच भी कर रहे थे बट उनका ये था कि हमें फुल टाइप फाउंडर्स टाइप चाहिए बट हम कॉलेज में थे तो इसे टैकल करना कि कॉलेज की पढ़ाई को भी हम ये नहीं कर सकते हैं कि कॉलेज का पढ़ाई इम्पॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं नया सीख सकते हैं तो कॉलेज को संभालना प्लस ये स्टार्टअप संभालना और प्लस सब कुछ को मैनेज करना और सर आगे बढ़ते रहना ए के सर सपोर्ट से आप लोगों के सपोर्ट से तो सर जो भी समस्याएं थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है कुछ नहीं आ रही है उसके तरफ भी हम लोग अग्रसर सर हैं ये ये बहुत ही प्रेरक है और खास करके जहाँ से आप ये शुरू कर रहे हैं ये जहाँ से आपने शुरू किया ये पूरा काम करना और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं ये बहुत ही प्रेरक है अंकित इस पूरे यात्रा में जब आपने काम करना शुरू किया स्टार्टअप पे तो आपको ये भी पता होगा कि इस पूरे सेक्टर में बहुत सारे कंपनी हैं जो काम कर रही है आपने उनके बारे में जिक्र भी किया कि उनके प्रोडक्ट किस तरह से बाजार में उपलब्ध हैं तो वैसे में आपका प्रोजेक्ट कितना अलग है बाकियों से और क्या नया ऑफ़र करता है सर जैसे कि उत्पल ने पहले ही प्रोजेक्ट जब डेमो दिखा रहे थे तो उन्होंने कुछ पॉइंट बताने की कोशिश की थी मैं एक बार फिर से अच्छे तरीके से बताता हूँ सर सर हमारा प्रमुख कारण है कि हम इसे पहले तो एक सस्ता बनाना बना रहे हैं जो कि प्रोडक्ट मार्केट में अट्ठाईस हज़ार से लेकर बहत्तर हज़ार रुपये जो हमें देना पड़ता है उसे हम तीन हज़ार रुपये के जो मूल्य में है उसमें ला लाए हैं और उसे और कम करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे उत्पल ने बताया था कि प्रेशर लॉस कि जो पानी में प्रेशर लॉस होती है तो हम उसे भी हमने हटा दिया कि प्रेशर लॉस नहीं होगी उस पर से सर हम देख रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी मशीन लर्निंग एआई का कई जमाना है तो हमने सर अपने डिवाइस को स्मार्ट बनाया है सर ताकि हमारे जो डिवाइस है वो स्मार्टली मॉनिटर कर सके हम मोबाइल में मॉनिटर कर सकें यदि लीकेज है उसका डिटेक्शन सिस्टम हो सर उससे जो डेटा कलेक्ट हो रही है सर वो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास जाए सर उसके हिसाब से वो सही पॉलिसीज़ बना सके सर कि पानी रिलेटेड सही पॉलिसीज़ क्योंकि सर डेटा ही आ, आजकल के जमाने में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है जी। और सर विभिन्न सारे समस्याएं तो जो हमने जो कम मूल्य और जो अडाप्टि और जो टारगेट कस्टमर्स और जो फीचर्स हम दे रहे हैं जैसे टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर्स का वो सर हमें विभिन्न से अलग बनाता है और इसके लिए सर हमने अपने टेक्नोलॉजी को पेटेंट भी करवाया सर और पेटेंट अभी पब्लिश भी हो चुकी है पिछले साल जी यस सर अंकित आप के 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 विनर रहे, के भी विनर रहे रहे भी भी और आपको आपको फंडिंग सपोर्ट मिला शिक्षा मंत्री जी हाथों सम्मानित भी किया गया इन सब के अलावा आपकी जो स्टार्टअप जर्नी है इसमें कोई और ऐसे रिकग्निशन आपको मिले हों और खास करके जब आप लोगों के बीच में गए होंगे अपनी इनोवेशन को लेकर तो उनके बीच से कोई ऐसी एक यादगार कोई प्रतिक्रिया या कोई ऐसा कोई एप्रिशिएशन जिसको आप साझा करना चाहेंगे yes, जैसे हमने बताया कि हमें हमने पहले एस में भी गया है, फिर एन फिर फंडिंग तो सर इस दौरान काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में हमारा जैसे हम मेरे उत्पल हम लोग की टीम का कंपनीज के नाम रहे फिर बीच में काफ़ी तरह से सप, सपोर्ट फंडिंग के भी अपॉर्चुनिटी मिले बहुत सारे लोगों से फेसबुक पे भी और जैसे व, व, वन ये एक स्टोरी एक ऑनलाइन मैगजीन्स जो हैं योर स्टोरी उसमें पब्लिकेशन और बहुत सारी ऑनलाइन पब्लिकेशंस के द्वारा जो प्रकाशित हुआ तो लोगों ने काफ़ी लोग जुड़े फेसबुक के माध्यम से व्हाट्सअप के माध्यम से यहाँ तक कि मेरे कॉलेज और बहुत सारे बिहार के जो कॉलेज के सीनियर जो कि बहुत बड़े संस्थान ओ और बाकी जगह पर बहुत उच्च स्तर पर काम करते हैं उन्होंने भी कॉन्टैक्ट किया उन्होंने भी बोला कि अच्छा आप आगे अच्छा कर रहे हो आपको कोई समस्या हो तो हमें बताओ और आपके प्रोडक्ट में हमें रुचि है तो हम जब आपका बने तो हमारे पास जरूर लाना ताकि हम भी टेस्ट कर सकें कि ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद रहेगा और सर तो इससे काफ़ी लोग जुड़ते रहें एक बड़ा सा नेटवर्क भी बना सर और इससे सर हम अपने तक सीमित नहीं रहे हैं ये जो स्टार्टअप इको है सर जो बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप्स करते हैं उनसे जुड़ने का मौका मिला फिर जो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स एकेडमी है ए आई सी टी ही द्वारा लीड एजेंस जिस अकेडमी से हमें ट्रेनिंग भी दिया गया तो सर एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी बना और बहुत लोगों से सर बहुत सारे जो फीडबैक्स थे कि आप अपने रिवाज में क्या अच्छा करें या कैसे रजिस्टर मतलब कि आपको स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट से कैसे आप, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपके मार्केट में बहुत जा जा सके तो सर लोगों से बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला इससे हमने बहुत कुछ सुधारा भी और हम आगे अग्रसर हैं कि सर कि सुझावों से हमारा चीज़ ज़्यादा बेहतर बन सकता है और हमारे मेक इन इंडिया को भी प्रमोट किया जा सकता है जी अंकित अंकित आपने बहुत बखूबी उन सारे चीजों का जिक्र किया जो आपके इस जर्नी में एक साथी बने और आपके काम को सराहा अंकित आपको एमआईसी आईसीटी की तरफ से फंडिंग सपोर्ट मिला उसके अलावा आपने जिक्र भी किया कि आईटी पटना में आप इनक्यूबेटेड हैं ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको लगता है इस जर्नी में आपके काफी मददगार रहे और आपकी सहायता की चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर मेंटोरशिप का हो या कोई और भी हो सकता है सर सबसे पहले देखे तो टीम से बात आती है यदि उत्पल नहीं होते तो आज हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि एक जो सहयोगी होता है उसका बहुत बड़ा सहयोग होता है मतलब तभी चीजें एक सही दिशा की ओर चलती है तो एक टीम तो सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है यदि कभी उनका कॉन्फिडेंस डाउन है तो हम एक दूसरे को बोलते हैं नहीं ये हो जाएगा या कोई प्रेजेंटेशन से पहले मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो बोलते हैं अरे ठीक है हो जाएगा देख लीजिए हो जाएगा या कुछ ऐसा होता है तो हम दोनों आपस में एक सिंकअप करके एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ते हैं सर और फिर समाज से जब निकलते हैं तो परिवार के तरफ देखते हैं तो परिवार में भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है फिर सर कॉलेज में हमारे कुछ प्रोफेसर्स थे आशीष सर मोहित सर जो फैकल्टीज थे और प्रिंसिपल सर डॉक्टर जगतानंद जहा सर और बहुत सारे सर और ए में जो बहुत सारे ऑफिशियल्स थे और आप और बहुत सारे लोगों का सर एक एक पूरा एक एटमॉस्फेयर और एक प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप जो मिला सर उसी के सहारे हम आगे बढ़ पाए क्योंकि सर हम जब शुरू करते हैं जब हमने शुरू किया हम एक स्टूडेंट ही थे और हमें बहुत कुछ मार्केट के बारे में या सही तरीके से कैसे लिखे वो सब कुछ नहीं पता था या इसका मतलब क्या होता है तो एक शिक्षक और एक सर जैसे आपने मेंटर बोला उनका बहुत बड़ा तो भाग्य होता ही है कि किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए या किसी को सही मार्ग दिखाने के लिए जी अंकित हमारे साथ उत्पल जुड़े हुए हैं उत्पल बहुत सारे युवा साथी इस स्टार्टअप की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं वो भी चाहते हैं कि आप ही की तरह इनोवेटर्स बने जो अभी इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं आप उनके लिए कुछ सुझाव सलाह कुछ देना चाहेंगे सर जो भी स्टार्टअप सर करना चाहते हैं स्टार्टिंग में तो सर काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन सर धीरे धीरे अगर आपका जो आइडियाज हैं उस पर अगर आप और फिल्टर करें उसमें मार्केट के हिसाब से आप चलें तो सर आपको वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे आपको छोटी नजर आने हम भी स्टार्ट किए थे हम लोग तो लगता था कि ये तो काफ़ी इम्पोसिबल चीज़ है ये तो हम लोग कुछ न, हो, हो भी होगा भी, हो भी या नहीं भी होगा तो इसी टाइप से जो भी इनोवेशन और स्टार्टअप्स अपना बनाना चाहते हैं उसके मन में बहुत एक चैलेंज रहता है कि ये ये करें या वो करें तो अगर आपका आइडिया सही है आप अपना आपको मतलब लगता है कि नहीं ये इस पे काम हो जाएगा ये हम कर सकते हैं तो आप उसको बिल्कुल आप उसको करिए और बिल्कुल उसमें आपको सफल होंगे हम भी मतलब जो स्टार्ट किए थे तो उस टाइम कोई आइडिया नहीं था लेकिन जब प्राइज़ेस आने शुरू हुए फंडिंग मिलना शुरू हुआ हम लोग का जो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट किए तो उसमें काफ़ी लोग मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये भी ऐसा भी कुछ हो सकता तो उनके द्वारा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ और फिर अभी तो काफी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग तो स्टार्टिंग में तो काफी दिक्कतें आती हैं लेकिन आप बाद में उसको वो धीरे धीरे सॉल्व होते जाता है सॉल्व होते जाता है और एक जो सबसे खास बात जो हम कहना चाहेंगे कि अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो अपना एक टीम एक स्ट्रांग टीम जरूर रखें एक टीम के साथ ही मिलकर काम करें अकेले अगर आप करना चाहते हैं तो एक ऐसा होना चाहिए जिससे आप बिल्कुल फ्रेंडली डिस्कस कर सकें कि आगे ये करना है ये करना है इस तरीके से हम आगे बढ़ें ये वाला पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है मार्केटिंग कैसे करना है ये सब चीज़ों के चीजों को आप डिस्कस करने के लिए बिल्कुल आपको एक डेडिकेटेड आपका टीम होना चाहिए दो लोग का तीन लोग का जितना भी हो सके लेकिन वो होना चाहिए तभी आप बिल्कुल अच्छे से ये सक्सेसफुली कर पाएंगे तो मेरा सजेशन यही है कि आप कीजिए लेकिन आप अपने पूरा आपके के पास पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए कि इस तरीके से ये करेंगे तो कुछ इसमें प्रोग्रेस के चांसेस हैं इसमें कुछ सफलता मिलेगी और आप अपने टीम से मेंटर से टीचर से प्रोफेसर से आप अच्छे से डिस्कस कीजिए और उसको करते रहिए करते रहिए रिजल्ट आएंगे तो लोग आ, आपके पास जुड़ना शुरू होंगे रिजल्ट जैसे ही आना शुरू होंगे आपके पास टीम एक आपको जो लोग प्रमोट भी करना शुरू करेंगे तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं तो ये था मेरा अपना ओपिनियन अपने okay. आइडिया पे विश्वास होना और एक अच्छी टीम बनाना ये बहुत ही मूल मंत्र है अंकित आप अपने स्टार्टअप का जो फ्यूचर है वो किस तरीके से देखते हैं और क्या आपका एक विज़न है इसके बारे में हाँ सर तो सर अभी जो हमारा प्रोडक्ट है जो जो हमने बनाया है वह भी हमने फील्ड टेस्टिंग में लगाया सर हमने कई घरों में और बहुत सारे जगहों में उसे लगाया है छः महीने से हम मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या वो उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है लोगों से राय भी ले रहे हैं तो सर कुछ दिन बाद हमें अपने प्रोडक्ट को एक मार्केट में लेके लॉन्च करेंगे फिर हम एक अच्छे फंडिंग की तरफ भी देखेंगे जैसे अभी हमारा प्रोडक्शन साइज काफ़ी कम था हम एक बार में सौ डेढ़ सौ यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे थे ताकि एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस भी कर सके सर और उस पर से सर हम अभी अभी तक हमने ज़्यादा मार्केटिंग और ये सब पे फोकस नहीं किया तो हम मार्केटिंग के तरफ और अपनी टीम्स जैसे अभी हम दो लोगों की टीम है तो एक बेहतर और एक बड़ा टीम के तरफ सर हम देख रहे हैं और फिर जैसे ही सर ये समझ जब हम इस सफ़र में कामयाब हो जाते हैं ये प्रोडक्ट के मार्केट में आ जाती है और अच्छे से चलते हैं बीच में समस्याएं आएंगी और बहुत सारे तो फिर इस प्रोडक्ट को सर अभी हम पानी तक सीमित हैं फिर जैसे हमने बताया आई और आई से फिर हम और और लिक्विड जैसे पेट्रोलियम और अदर जो विस्कस लिक्विड्स हैं उनके तरह प्रयोग हम आगे बढ़ाएंगे ताकि हम उस पर भी उसके लिए भी ये डिवाइस बना सके कम मूल्य पे जो भारत में बना हो और उसके बाद सर हम अभी तो सर यहाँ तक फिर लेकिन हमने आगे भी सोचा है कि और जो समस्याएं हैं जब हम थोड़े बड़े टीम हो जाए तो हम एक अपना एक यूनिट सेटअप करें एक लैब टाइप जो बहुत सारे समस्या को आइडेंटिफाई करें पहले एटलीस्ट आइडेंटिफाई करे उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ देखें कि हाँ इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं बट सर आगे का मार्ग अभी हमारे अपना इस प्रोडक्ट लॉन्च उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे है उसके आगे का रास्ता और समस्याओं पे बहुत बहुत धन्यवाद अंकित और उत्पल आज के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्टार्टअप की जर्नी शेयर करने के लिए धन्यवाद सर आपके माध्यम से भी हमें अपने जर्नी के के बारे में बताने का मौका मिला और युवाओं तक पहुंचने का मौका मिला आ, धन्यवाद सर आपका जिन्होंने आपने हमें एक मौका दिया कि अपने स्टार्टअप को पिच करने का तो थैंक यू सर आपके और आपकी टीम का आ, आ, सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पानी को बचाने के लिए अंकित और उत्पल जैसे युवाओं की आज पूरे विश्व को जरूरत है आज आवश्यकता है कि युवा पीढ़ी आगे आकर पहल करे ताकि भविष्य में पानी की कमी के संकट से भावी पीढ़ी को सामना न करना पड़े हम चेंज मेकर श्रृंखला की अगली कड़ी फिर ऐसे युवाओं से रूबरू होंगे जो अपने इनोवेशन से देश समाज की समस्याओं का समाधान करने की कोशिशों में जुटे हैं तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार